जय हिंद मेरे दोस्तों, क्या हाल है। तो फाइनली सर्कस का ट्रेलर आ चुका है, चलो रिव्यू करते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर होगा। नोस्टैल्जिया की फीलिंग आई थी जब टीजर लॉन्च किया था इन्होंने, और उस टीजर का रिएक्शन किया था मैंने। फाइनली ट्रेलर इज हेयर, तो चलो रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मजे आने वाले हैं इस वीडियो को देख करके। लेट्स बिगिन। और अब दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। तालियों के बीच स्वागत कीजिए जिसका यहाँ है हर कोई फैन, आपका चहेता द इलेक्ट्रिक मैन। फुल तो मस्ती मूवी होने वाली है, धमाल वाली फैमिली मूवी लग रही है। वो ग्राफिक्स बहुत यूज किए हैं। थीम क्या है? थीम सर्कस ही है। ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। नाइस यार, नाइस। एक नंबर की झूठे हो, कम से कम इस बेचारी को झूठ बोलना मत सिखाओ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं डेली तुमसे झूठ ही बोलता हूँ। पता नहीं, शायद बोलती भी होगी। आप कौन है बहन जी? बहन जी समंदर में शू शू करने से सुनामी बाबू भैया भुगरी में तुम्हारे डैडी। अजीबो गरीब हो गए तुम, हम अजीबो अमीर है। रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। Was this a compliment? Maybe. पैर छूने का नायक अपना पैर छो खुद का। अपना पैर, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। मनाचा तो सबको करंट लगा रहे, करंट लगा रहे। इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। खा मम्मी कसम, मम्मी कसम। मन ने थारे को कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप पहले कभी ऊटी आए हैं? नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? ओहो, डबल रोल। ये क्या सबके डबल रोल है क्या इसमें? मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है? चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये बहुत सही। ये ट्रेलर में नहीं डालना था भाई साहब, ट्रेलर में नहीं डालना था। सस्पेंस रखना चाहिए। आप सबके मेरा गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण। ओके, तो मिक्स सी फीलिंग आई, मतलब बढ़िया था आई वुड से, खराब तो नहीं था। बट यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर धड़ाधड़ धड़ाधड़ आए जा रहे थे, स्टोरी कुछ बिल्डअप हो नहीं रही थी। बस ये लग रहा था कि हाँ नॉस्टैल्जिया टाइप की फीलिंग देने जा रहे हैं, 60s की मूवी है और कलरफुल बहुत ज़्यादा थी। नो डाउट कलरफुल बहुत है, एक्टर इतने अच्छे अच्छे हैं तो नो डाउट मतलब पंच लाइन्स ऑन टू द पॉइंट होंगी। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब वो वाला फील नहीं आया जो मैं सोच के बैठा हुआ था। बट लेट्स सी कैसी होती है मूवी, कैसी परफॉर्म करती है। हालांकि बॉलीवुड में आजकल बायकॉट बायकॉट बजारा चल रहा है, तो लेट्स सी। बट हाँ ये जरूर है दोस्त कि इस मूवी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं है अभी, क्योंकि जिस तरीके से टीजर को अनाउंस किया था इन्होंने तो लग रहा था कि बहुत ही कुछ बेहतरीन बनाया होगा, और जो कि लग भी रहा है, एफर्ट लगाए हैं, बहुत ज्यादा लगाए हैं। लेकिन स्टोरी पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या स्टोरी रहने वाली है। अगर स्टोरी जो जबरदस्त रही और इतने सारे कैरेक्टर फेंकने के बाद में हर करेक्टर को बिल्डअप करने का मौका दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे करेक्टर ले लिए और आपने किसी को बिल्ड नहीं किया और सिर्फ स्टोरी में भागते चले गए तो दोस्त मजा खराब हो जाएगा वहीं पे। लेट्स सी,
देखते हैं सर्कस को 23 दिसंबर को आएगी, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं थिएटर जाऊंगा, बट होपफुली देखेंगे जब आएगी तो। एंड बाकी मैंने अभी रिसेंटली PS1 का ट्रेलर मूवी सब कुछ देख डाली और बेहतरीन मूवी थी, उसका भी कहीं मैंने लिंक डाल दिया है, देख लेना। और भी ट्रेलर रिएक्शन है, इनमें से कोई भी हो वॉच कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।